देश में इस वक्त कोरोना की टेंशन हाई है। लोग कोरोना की वजह से पूरी तरह लॉकडाउन हो चुके हैं। घरों से बाहर निकलने की मनाही है। देश के 30 राज्यों को पूरी तरह बंद कर दिया गया और कई राज्यों में कर्फ्यू लागू है। इन सबके बीच एक राहत भरी खबर आई है। देश में रिलायंस ग्रुप ने पहला कोरोना के लिए डेडिकेटेड अस्पताल तैयार किया है। इस अस्पताल में 100 स्पेशल बेड तैयार किए गए हैं, जिसमें कोरोना के मरीजों का इलाज होगा और उन्हें वो तमाम सुख सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे वो मरीज जल्द से जल्द ठीक हो सके। इसके अलावा रिलायंस ने कुछ बड़ी घोषणाएं भी की हैं। रिलायंस ने कई शहरों में कोरोना के पीड़ित मरीजों के लिए खाना और उनके लिए फ्री में फ्यूल उपलब्ध कराने का ऐलान किया है। देश में इस वक्त कोरोना के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र से सामने आ रहे हैं और इस वजह से पूरे महाराष्ट्र में कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। कोरोना के चलते महाराष्ट्र में अब तक 3 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। और इस बीच राहत भरी खबर यह है कि बीएमसी की मदद से महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में ही 100 बेड वाला डेडिकेटेड अस्पताल तैयार किया गया है, जिसमें कोरोना के पीड़ित मरीजों का इलाज किया जाएगा। रिलायंस का यह भी दावा है कि रिलायंस फाउंडेशन इसका पूरा खर्चा उठाएगा। इसमें एक नेगेटिव प्रेशर रूम भी बनाया गया है, जो कि क्रॉस कंटिमेशन को रोकने और कोरोना वायरस से हुए संक्रमण को नियंत्रित करने में लोगों की मदद करेगा, डॉक्टरों की मदद करेगा। रिलायंस के मुताबिक इस हॉस्पिटल में जो 100 बेड तैयार किए गए हैं, उन सभी बेड पर जरूरी बुनियादी ढांचे और इसके अलावा जो मेडिकल उपकरण हैं, जैसे कि वेंटिलेटर, पेसमेकर, डायलिसिस मशीन और जो रोगियों की निगरानी करने के लिए जरूरी सामान है, उन सभी सामानों से लैस किया गया है। रिलायंस का दावा है कि मुंबई में वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज वाला ये अस्पताल होगा। इसके साथ साथ कोरोना के प्रभाव की रोकथाम के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज ने मास्क उत्पादन क्षमता को भी बढ़ाने का फैसला किया है और इसे बढ़ाकर 1,00,000 मास्क प्रतिदिन करने का फैसला किया गया। इसके अलावा COVID-19 के मरीजों को ले जाने वाले वाहनों को मुफ्त में फ्यूल देने का भी ऐलान हुआ है। रिलायंस इंडस्ट्रीज CSR पॉलिसी के तहत ये सभी कदम उठा रही है। इससे पहले रिलायंस ने अपने सभी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम का आदेश दिया था और हमने कुछ दिनों पहले मुकेश अंबानी को प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर कोरोना वीरों के लिए या उनकी हौसला अफजाही के लिए घंटी बजाते हुए भी देखा था। रिलायंस इंडस्ट्रीज की इन पहल से साफ है कि देश में कोरोना की रोकथाम के लिए वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है।